स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एक्सपी फार्म आसमान। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था एक एक्सपी फार्म अंडरग्राउंड एक्सपी फार्म, आज हम आसमान में बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। 10 से 15 स्टैक कोबल स्टोन के, 4 चेस्ट, 4 हॉपर, 2 पानी की बाल्टी जिससे हम इनफाइनाइट सोर्स बना लेंगे, और 64 साइंस। तो ये एक स्टैग में जो 16 साइन आते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये देखो एक स्टैग में 16 साइन आते हैं, तो हमें टोटली 64 लग जाएंगे। अबे यार टॉर्चेस लगाना भूल गया, सॉरी, टॉर्चेस भी चाहिए ढेर सारी, क्योंकि हम उसको पूरे के पूरे एरिया में फैला देंगे अपने। आप जहाँ बनाओ तो अपने घर के चारों तरफ इसको फैला देना, ताकि और कहीं भी मॉब स्पॉन ना हो पाए एक भी, मतलब ऐसे किसी भी तरह से फैला देना, ठीक है। तो बाकी का अब हम देख आगे बढ़ते हैं अपनी बना कंस्ट्रक्शन की तरफ। और स्लैब्स, यार मैं बहुत चीज़ें भूल गया, सॉरी, यहाँ बहुत चीज़ें मैं भूल गया। स्लैब्स और 4 स्लैब्स लगेंगे बस, वो तो आप हालू ना लेना। तो पहला इसमें आ जाएगा हमारा हॉपर, दूसरे से हम मारेंगे, और तीसरे से हमारा मेन कंस्ट्रक्शन। ये बन गया हमारा मेन लूप। फिर उसके बाद अब मैं इसको 8 ब्लॉक ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा ऐसे। वैसे तो लोग कहते हैं कि इसको बनाना चाहिए 21 ब्लॉक ऊपर, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा ब्लॉक ऊपर मत करिएगा, क्योंकि वरना जो मॉब्स होंगे वो इतनी ऊंचाई से गिरते ही मर जाएंगे, क्या फ़ायदा रहेगा फिर ना, उनकी एक्सपी मिल पाएगी। सामान तो खैर हमारे हॉपर की मदद से चेस्ट में आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बनाते अपना, क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही करके कर हम बना देंगे पूरा का पूरा। आप चाहें तो एक बनाने के बाद यहाँ पे पानी डाल के, ऐसे पानी डाल के लिफ्ट की तरह इसको नीचे उतर जाइए आप, और फिर ऊपर दूसरी लाइन बनाते हुए आके यहाँ पे लैडर लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको उतरने में आसानी हो जाएगी फिर बार बार। वैसे ही हम ये बना देंगे जल्दी से, तो ये ऐसे। फिर उसके बाद हम इस वाले ब्लॉक को गिनते हुए 8 ब्लॉक एक्सटेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8, और फिर एक और ब्लॉक वॉल का, ठीक है। तो ऐसे ही हम 4 डायरेक्शन में बना देंगे। शॉर्ट एक्शन वैसे ही बना देंगे, वॉल का। आप ये सही है या नहीं, बस एक तरीका है इसको चेक करने का, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि गिनती 8 है या नहीं। क्योंकि गैस जो पानी है या लावा है वो एक डायरेक्शन में सिर्फ 8 ब्लॉक ही फैल पाता है। उससे ज़्यादा वो नहीं फैल पाता है, उसके लिए उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे 10 से 15 स्टैक कैसे लग जाएंगे। अब यार मैं गिना नहीं, 1 2 3 4 5 7 और 8, 10 से 15 स्टैक ऐसे लग जाएंगे गाइस, कि अभी ये हम 8 का बना रहे हैं, तो 8 जा इतने एरिया में, जो मतलब ये ऐसे पूरा का पूरा एरिया बनेगा उसमें एक स्टैक बैठ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टैक, ऐसे 4 स्टैक तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद ये छत बनाने में ऐसे, तो ऐसे ये पूरा का पूरा बहुत स्टैक बन जाए लग जाएंगे। तो फिर अब आप लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे वॉल सी बना देनी है, इसके 4 डायरेक्शन से बना दीजिएगा यार।
फिर हर लेयर को ऐसे ही करना है। देखो ये ऐसे बनाना है। अब ये चेक हम ऐसे कर लेंगे आराम से। यहाँ पे दो बकेट में पानी डाला तो यहाँ से नीचे नहीं गया क्योंकि ये 8 ब्लॉक है गिनती का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रोकेंगे और अब मैं आप लोग सीधे सीधे पूरा बनाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये ऐसा बन जाएगा प्लस साइन जैसा, ठीक है। और फिर अब हम देखो ये यहाँ पे पहले तो मैं एक पूरी लेयर मतलब अब हम इसको एक फ्लोर सा बना देंगे पूरा का पूरा। तो इस फ्लोर को बनाने में ही हमारा पूरा एक स्टैक जाने वाला है कन्फर्म। मैं आप लोगों को कह के चल रहा हूँ कन्फर्म एक स्टैक तो जाएगा ही जाएगा कॉबल स्टोन। अगर आप लोग इसे चाहें तो किसी और भी स्टोन से बना सकते हैं पर कॉबल स्टोन इसलिए क्योंकि जो वो क्रीपर होता है वो आराम से कॉबल स्टोन को तोड़ नहीं पाता जल्दी, इसलिए। तो ये ऐसे ही पूरा का पूरा एक जैसे फ्लोर बन गया तो ऐसे ही हम लोग चारों फ्लोर्स बना लेंगे। ठीक है। देखिए ऐसे ही हम पूरा पूरा बना लेंगे फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं। अब तो गाइस ये इस तरह से लगेगा बाद में आप देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक दो तीन और चार ब्लॉक अप करना है इसको वॉल की तरह चारों तरफ ताकि ये क्रीपर वगैरह जो हैं वो कहीं मतलब इधर उधर ना जाए, सीधे बस पानी के बहाव से हमारे पास नीचे आ जाए। तो आप इसको चारों तरफ से बना दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा गड़बड़ हो गया। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैसे तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, आप इस तरह से कर सकते हैं मतलब ऐसे दो 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 करके पूरी वॉल को बना दें। बस यहाँ किनारों पे पहले से एक एक बोर्ड फिक्स कर दें ब्लॉक दो तीन और फिर एक लगा के इस तरह से इसको फिल कर दें और ये करके अब जाए। ओ वहाँ पे वो 5 ब्लॉक लग गया है, देखिए गड़बड़ हो गई ना। तो गाइस हम लोग 3 ब्लॉक की मेन हाइट, मेरा तो ये पूरा पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। 3 ब्लॉक की हम लोग मेन हाइट इसलिए रखे हैं ताकि एंडरमैन वगैरह भी आ सके यहाँ पे। कई कई बार ये रहता है कि अगर बाय चांस भी एंडरमैन स्पॉन हो गया तो बाहर की तरफ हमारे पास आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरी पूरी वॉल बनाई है ना मैंने, इसी तरह से आप सर्वाइवल बना सकते हैं। और तोहफे बनाने के बाद मिलते हैं। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से बन जाएगी इसकी पूरी वॉल। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे साइन लगाते चलने हैं। पूरे पूरे 64 साइंस बैठेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं 8 करके। गाइस ये वैसे आप चाहें तो लगाएं ना चाहें तो मत लगाइए, बात एक है कि फिर भी ज़ॉम्बी वगैरह फंसेंगे ज़रूर आपके ट्रैप में। ये गलत लग गया तो बस संभाल के लगाइए कि आप खुद ना गिर जाएं, क्योंकि अगर हाँ गिर गए ना तो गाइस यहाँ से सीधे सीधे आपकी आधे ज़्यादा हेल्थ चली जाएगी और मरने के चांसेस भी काफ़ी हैं।
ठीक है। तो गाइस जब तक मैं इनको लगा रहा हूँ तब तक आप जाके लाइक कर दो उस चैनल को, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, सॉरी उल्टा बोल दिया, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो, कमेंट करो। और अगर आपके पास कोई मतलब कन्फ्यूजन है किस चीज़ को बनाने में तो मेरे को बताओ, मैं आपको बनाना सिखा दूँगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपको नहीं आया तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, आराम से डिसलाइक करना। सारी की सारी वीडियोस को मैंने ज़्यादा 6-7 10 के आसपास वीडियो ही होंगी, अभी सारी वीडियोस को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं आप कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से, क्या भी कह सकता हूँ कि आप ही हो, कि आप लोगों से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसलिए जल्दी से इसको पूरा लगाइए। हाँ लगाइए, मेरे को लगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो ये देखिए ऐसे रिकॉर्ड हो, मतलब ऐसे बन जाएगा। पहले वेदर कर देना, तो वेदर वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो छत बनाने से पहले थोड़ी सी लाइटिंग यहाँ पे कर लीजिएगा अपने लिए, ताकि अभी जो मैंने कहीं यहाँ पे ऑल टाइम डे कर रखा है कि रात भी होगी यहाँ पे, और वहीं पे हमारे जो हैं स्पॉन हो जाएंगे। और अपने लिए जब आप सर्वाइवल में करेंगे ना, तो आप लोगों का एक तो देखिए घर तो होगा नीचे, मतलब आसपास में ही होगा, तो सबसे पहले जो आपकी लैडर होगी ना, मतलब मतलब ये जो लैडर होगी उसकी मदद से नीचे जाके अपने घर में अपना वो स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म वापस बना दीजिएगा। मतलब अपने बेड पे एक बार सो जाइएगा आराम से, माइनक्राफ्ट वाले घर वाले नहीं, क्योंकि जब इसमें रात होगी तब आप लोग सोएंगे ज़रूर, कि रात भर काम करते रहेंगे, फिर रात में बाई चांस अगर स्पॉन हो गए तो मर गए समझो। वो लोग यहाँ पे स्पॉन हो गए, मेरे साथ एक दो बार हो चुका है ऐसा। मैं अपने सर्वाइवल में बना रहा था अपने वर्ल्ड में, इसकी मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो जब मेरा अभी पीसी सही हो जाएगा तब मैं उसमें बनाऊँगा। ये तो भी अभी मैं फ़ोन से कर रहा हूँ ये वाली वीडियो, तो सीरीज तो उसी बनाऊँगा। तो ये ऐसे ही बन जाएगा, पूरी छत बना दीजिए ऐसे ही आप लोगों को, तब मिल रुक जाइए, पहले तो यहाँ पे अपने लिए सीढ़ियाँ ज़रूर बना लीजिएगा, मतलब वहाँ से भाग लीजिएगा, या फिर सबसे बढ़िया काम जाइए, मैं तो गाइस यही करा था, यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी हैं, सारी की सारी टॉर्चेस उठा के जल्दी से यहाँ पे आया और फटाक सीना यहाँ से छड़ के एक बार यहाँ से कूद गया। सिंपल कि हमारा रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म हमारा घर था, तो वहाँ पर जल्दी से रिस्पॉन होऊंगा और फटाक सीना अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा, संग की संग इस वाले ब्लॉक को क्लोज करके अंदर से ही इनको तोड़ दूँगा ढंग से। ठीक है, तो आप लोग उसमें आपसे ये छत कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस हमारी पूरी छत कंप्लीट हो चुकी है, बस एक ब्लॉक मैंने छोड़ दिया है निकलने के लिए अपने। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे हम लोग अपनी ये जो टॉर्चेस हैं इनको हटा देंगे। आप वैसे यहाँ से आराम से निकल जाइएगा, बस एक जंप लगाई पहुँचे, बस बच गए। नहीं, यहाँ पर जल्दी से एक ब्लॉक लगा के छड़ जाइएगा, जिन पर आप पहले भी छड़ रहे होंगे जिनकी मदद से। बस मैं आप लोगों को फिर उसका टॉर्च हटाने के बाद ही मिलूँगा बाहर अपने, नहीं पहले बाहर वाला काम करके आते हैं, ठीक है, कि फिर अगर टॉर्चेस हटाए तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे खूब सारी टॉर्चेस लगाइएगा, ताकि ये यहाँ पे रत्ती भर भी एक भी स्पॉन ना हो पाए। खूब सारी टॉर्चेस, खूब सारी, और इस एक्सपी फार्म के आसपास भी खूब सारी लगाइएगा, जिससे कि और कोई जगह ही ना मिले इनको स्पॉन होने के लिए अंधेरे के अलावा। ये सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही स्पॉन होते हैं। और ध्यान रखिएगा इस एक्सपी फार्म के अंदर कहीं से भी एक भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले मैं एक ब्लॉक ऐसे लगाऊंगा, फिर उसके बाद इसके नीचे ये, और क्राउच करके आराम से
यहाँ पे मैं चार, रुक जाइए, ये आधे क्यों खुल रहे हैं, खुल क्यों ही रहा है? सॉरी गाइस, वो मेरे पापा थे। तो यहाँ पे इनको ऐसे करके अभी के लिए लगा दीजिएगा, ठीक, फिर उसके बाद पहले तो इनको तोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। मुझे कहाँ से लग गया यार। रुको, ये कनेक्ट, ये पूरी तरह खुल नहीं रहा है। अच्छा हाँ, ये इससे कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो अब आपका बस एक चेस्ट ऐसे कहीं पे, मतलब एक चेस्ट, अबे अभी नहीं, अभी से कहाँ से, तो मैंने गड़बड़ कर दी। ये अबे चेस्ट रखो, यहाँ ज़मीन में आएंगे चेस्ट। और फिर क्राउच करके मैं इसके ऊपर ये लगा दूँगा ताकि ये इनके ऊपर बैठ जाएंगे। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पे सीधा सीधा सारा का सारा इनके ऊपर गिरेगा। और आप किसी भी तरफ जहाँ से दोनों के दोनों आप खोल सको ऐसे लगा दीजिएगा, तो अभी आप दोनों के दोनों खोल पाओगे। मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। और अब क्राउच करूँ मैं, और इनके ऊपर मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और अब ये क्लोज। तो हमारे पास बस इतना सा एरिया रहेगा जिससे हम उनको मार पाएंगे, और स्पाइडर वगैरह भी बाहर नहीं आ पाएंगे। और जो छोटा जॉम्बी भी होता है ना, बहुत ही भागता है, वो भी नहीं इस स्लैब्स की वजह से बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों से ऊपर टॉर्चेस हटाने के बाद मिलूँगा। और तो और गाइस, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि मैंने, देखो जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया, ये होल बना रखा है ना, वैसे ही आप ऊपर की तरफ आइएगा पहले, वो इसलिए ताकि आप वो जो छत है ना वहाँ पे भी आपको खूब सारी टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है वो खुद एक पूरा पूरा स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म है, और गलती से भी अंदर की तरफ स्लैब्स मत लगा दीजिएगा, भले छत तो आप स्लैब्स की बना दीजिएगा पूरी पूरी। खूब सारे टॉर्चेस ऐसे लगाने के बाद मैं आप लोगों से, और अंदर ही टॉर्चेस हटाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने अंदर से तो अभी टॉर्चेस हटा दिए हैं, तो अभी थोड़ी सी देर रुकते हैं, मतलब थोड़ी देर वेट करते हैं अंदर टॉर्चेस, वो ज़ॉम्बी वगैरह के स्पॉन होने का, और फिर अपना नीचे जाके देखेंगे क्या होता है। जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम कमिंग बैक, जस्ट अ मिनट। हाँ तो यार, ओ भाई साहब देखो कितने सारे स्पॉन हो चुके हैं। अब हम ये सारा का सारा सामान इन्वेंट्री में रखेंगे, एक सॉर्ड लेंगे नेदराइट वाली, और गेम मोड कर देंगे चेंज, गेम मोड एस, सर्वाइवल का हो चुका है अब। तो अब बस इस तरफ से मैं, तो बस थोड़ा बच के रहिए, तो स्लीपर फट रहे हैं, तो स्लीपर फटेंगे तो बस इतना होगा कि जो स्लैब्स हैं ये टूट जाएंगे, और स्पाइडर आ गया बाहर आ जाएंगे, स्पाइडर और छोटा ज़ॉम्बी बाहर आ सकता है बस। ये देखिए गाइस, जीरो से तकरीबन मेरी जीरो ही थी, उससे बच के थोड़ा बच के दान नज़दीक मिल जाइए, वरना ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी की लात पड़ सकती है। वैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं, आराम से ऐसे ही वॉक करता चलेगा। और आप लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं स्टार्टिंग में कितनी थी और अब कितनी हो गई है, तकरीबन 18 हो चुकी है मेरी। जितना सामान आया उसकी कोई टेंशन नहीं, हो थोड़ा बहुत तो बाहर आ ही जाता है, जो मतलब बाहर गिरा देते हैं ये लोग, मतलब मरने के बाद उनकी जब बॉडी थोड़ी बाहर आ जाती है तब देखिए। और देखिए बाकी सारा का सारा इन चेस्ट में आ रहा है। ओ भाई साहब, आयरन की सॉर्ड है, अनब्रेकिंग 3, पावर 2 का बो, गोल्ड की चेस्ट प्लेट, फायर प्रोटेक्शन 1,
तो आप लोग गाइस इन लोग इनके संग बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब एनिमल पे इनको कंबाइन कर सकते हो एकदम फ्रेश बो वगैरह के संग, जिंदगी पावर उसमें आ जाएगी। और बाकी के भी बहुत सारे जब मिलेंगे ना, तो गाइस मैंने अपने रियल वर्ल्ड में यही कर रखा है, खूब सारे जैसी मिलती हैं उनको एनविल पे कंबाइन कर देता हूँ, तो उनकी पावर वगैरह बढ़ जाती है उनकी और ज़्यादा हो जाती है। बचा क्रीपर से बच के रहिए, कि क्रीपर ही ना फट जाए, और स्पाइडर कई बार ऊपर चढ़ के वापस भाग जाएंगे, और पानी के प्रेशर की वजह से वो वापस नीचे भी आ जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है अपन को। देखिए छोटा जॉम्बी बाहर नहीं आ पाया, बस ऐसे ही। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, थैंक यू।